सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। त्रिपाठी जी ये बताइए कि 24 की तैयारी तेज हो रही है, किसको अगला पीएम बनता देखना चाहेंगे? हम तो हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी जी को ही पीएम बनता देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी हमेशा। क्या कारण है सर, नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है? उनके काम बहुत बढ़िया हैं, कोई काम उनका आज तक ऐसा नहीं है जो देश के अगेंस्ट हो, सारे काम देश हित में किए हैं उन्होंने, सारे A to Z। अच्छा जी, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी ने आज तक एक ऐसा काम नहीं किया जो देश हित में ना हो। अच्छा सर ये बताइए कि अभी चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, उस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार असफल है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बयान दिया है, मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी, कि उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा बहुत जरूरी नहीं है, नेताओं के बच्चे तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का उन्होंने अपमान किया है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? जो देश अपनी राष्ट्रभाषा का गौरव नहीं बढ़ाता है वो देश तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता है। यही है मेरा कहना, यही है बस। और भारत और चीन की जो लड़ाई हुई थी उस पर हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार असफल है, कुछ नहीं कर पा रही है। चीन तो भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है, वो लड़ाई के मामले में बहुत ही, जिससे कहते हैं वो तो वियतनाम, थाईलैंड, इन देशों से भी नहीं जीत सकता है, इंडिया तो बहुत बड़ा है उसके सामने। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में नेतृत्व कैसा रहा है, और आपको क्या लगता है अभी विश्व गुरु बनने की कवायद तेज है भारत का, क्या लगता है किसकी वजह से ये चीज़ें सफल हो पाई? इसमें नेतृत्व का भी बहुत बड़ा हाथ है, पीएम मोदी जैसे सफल नेतृत्व के कारण ही देश इतना आगे बढ़ रहा है, वरना ये संभव नहीं था। देखिए कह रहे हैं कि वरना ये संभव नहीं था, पीएम मोदी ही वजह है, असली वजह। एक मैम भी मौजूद है, मैम से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी काफी सफल मानी जाती है। मैम क्या नाम है आपका? शशि त्रिपाठी। अच्छा क्या लगता है मैम, एक तरफ 2024 की तैयारी तेज हो रही है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, इसके साथ साथ अब पीएम बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार असफल है, सेना का अपमान कर रहे हैं, हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मोदी सरकार ही चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। हाँ बिल्कुल मोदी। अच्छा मैम क्यों चाहिए, मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? आप देख रहे हैं देश का विकास है, तो मोदी के सामने तो कोई नहीं, कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा मैम कितना लगता है मोदी जी के आने के बाद भारत कितना बदलाव की ओर आगे बढ़ा है? बहुत बदला है, सब चीज में है, हर जगह आप देख रहे हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है। हाँ बिल्कुल विकास हुआ है, और हम मोदी को ही चाहेंगे आगे भी बिल्कुल। अच्छा प्रधानमंत्री की कौन सी खास बात कि अगले प्रधानमंत्री भी आज की महिलाएं चाह रही है कि मोदी जी ही हो? सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं, महिला सुरक्षा है या देश का विकास है या शिक्षा नीति है, तो सब चीज में मोदी है। हाँ बहुत बिल्कुल मोदी जी परफेक्ट है। ठीक है। देखिए सर और मैम का मानना है कि मोदी जी जो है अभी नेतृत्व तो अच्छा कर रहे हैं, और यही कारण है कि मोदी जी को भी अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर मैम। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आम जनता और क्या सोच रही है। तरफ कहीं ना कहीं विवादित बयानों की वजह से राहुल गांधी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, और आज एक बार फिर से उन्होंने पहले तो सेना के बारे में टिप्पणी की ही थी, लेकिन एक वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वो ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और इसके बाद ही राहुल गांधी तमाम निशाने पर आ गए हैं कि राहुल गांधी पहले तो सेना का अपमान करते हैं और अब हिंदी भाषा का जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने ये कहा है कि नेताओं के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हिंदी क्यों ज़रूरी है, कहीं ना कहीं देश की भाषा जो है हिंदी, उसका अपमान राहुल गांधी ने किया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जनता की राय जानेंगे कि आखिर आम जनता इस बारे में क्या सोच रही है और आम जनता इस विवादित बयान को किस तरीके से लेती है। तो एक एक करके हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आप? मैं अनिल कुमार। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मैम देश के लिए तो मोदी है, देश के लिए मोदी है। और राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदी भाषा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मैम ये हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? मैम राहुल गांधी अपनी राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आ जाएगी उनकी भी धीरे धीरे। अच्छा राजनीति चमका रहे हैं। हाँ जी। कहते हैं कि हमारी सेना पिटकर आई है चीन से, ये तो मैम वो तो साथ में थे नहीं। हाँ। पिटने वाले जानते हैं। हाँ। सभी लोगों वीडियो वायरल बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। वो देख रहे हैं लोग। अच्छा देख रहे हैं लोग। आर्मी ने जो काम किया है वो वीडियो सामने आई है। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से चीनी सेना के साथ हमारी झड़प होती है और चीनी सेना पिटकर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि हमारी सेना पिटकर आई है। चलिए और भी लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए, अगला प्रधानमंत्री किसको बनना देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी क्या कारण?
अभी तक के जितने भी डेवलपमेंट किए, मैं किसी भी हाईवे पे चला जाता हूँ, मुझे सारे रोड्स अच्छे मिल रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज से जितने भी वो चीज़ें थी पहले कंसर्न थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं, तो एक पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं माहौल में, तो इसलिए। अच्छा ये भी बताइए, आप युवा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी का बलिदान है ही नहीं देश की आज़ादी में, और जितना भी बलिदान है वो कांग्रेस का है, राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया है, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया है, एक कुत्ता भी नहीं बना। उस समय पर इन चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, अगर उस समय पर वो वहाँ मौजूद होते तो वो भी ये करते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, बट अब वो जो मौजूद है उनकी जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं ना पूरे। और आपने भी एक वीडियो देखा होगा भारत और चीन की लड़ाई के बीच, राहुल गांधी कह रहे हैं कि असफल है भारतीय सेना, भारतीय सेना पिट कर आई है। असफल नहीं है, पहले तो मुझे पता है लव लेटर लेके जाते थे, बट इस बार हमने भी वीडियो देखा है, मार रहे हैं वो। कौन कह रहे हैं? अच्छा क्या नाम है आपका? हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु अग्रवाल जी का कहना है कि हमने वीडियोस देखा है, ये वीडियोस ही बयां करता है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने मिलकर जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया। और एक युवा मौजूद है, बातचीत करेंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? योगी जी। योगी जी यस। बुलडोजर बाबा। हाँ बुलडोजर बाबा। क्या कारण है? सब जैसे यूपी में गुंडागर्दी खत्म की है तो वो अच्छी बात है। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, आपने ये आपकी बात की जानकारी होगी कि भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, तो कांग्रेस ये कह रही है कि असफल रही है भारतीय सेना, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई बलिदान नहीं हुआ है, असली बलिदान कांग्रेस ने किया। क्या नहीं, वो स्टेटमेंट्स तो सब देते रहते हैं, बट जो काम बीजेपी ने किया है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री योगी जी क्या कारण है, इतने पसंद क्यों है? सी वो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे गुंडागर्दी खत्म की है वैसे पूरे इंडिया से वो खत्म करेंगे। अच्छा देखिए, इनका कहना है कि पूरे इंडिया से खत्म करेंगे, आपका क्या नाम है? धवल। अगला प्रधानमंत्री कौन? योगी जी यस। बस उसने गुंडागर्दी खत्म की और बहुत काम किया है वहाँ पे। ठीक है, देखिए आज के युवा मान रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई है और बहुत काम किया है, आपका क्या नाम है? मेरा अरबाज चौधरी नाम है। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री यही होगा, नरेंद्र मोदी। और अच्छा, कौन? क्यों, क्या कारण है मोदी जी? काम इतने अच्छे करा रखे हैं, इतनी फैसिलिटी दे रखी है, रोड बना रखे हैं, और क्या चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए सर, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार असफल रही है और कहीं ना कहीं भारत और चीन की जो लड़ाई हुई है उसमें सेना पिट कर आई है, इसके साथ साथ अध्यक्ष ने ये बयान दिया है कांग्रेस के कि मोदी सरकार मतलब बीजेपी ने कोई बलिदान नहीं दिया, असली बलिदान देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस कर रहा है, क्या कही? देखो विपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में ऐसा बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ किया है, सेना का जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है उन्होंने, पुलवामा में जो भी हुआ था जवाब दिया है उन्हें। अच्छा, जी ठीक है, तो आपको लगता है कि आगे भी जिस तरीके से लड़ाई होगी तो भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि वो जवाब देगी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, ऐसा जो काम करेगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष बयान देते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक कुत्ता भी नहीं मरा अब तक, मतलब बलिदान कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी दी है, बीजेपी इसकी घोर निंदा कर रही है, और राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय सेना असफल रही है चीन की लड़ाई में, आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा तो कहना कुछ सही नहीं है, अभी किसी के बारे में कोई गलत बात जो गलतफहमी लोगों की है उनके दिमाग में चल रही है वो हमें उनकी जो दिमाग की बात है वो इन तक छोड़ देनी चाहिए। हाँ, जो हमारा दिल का ख्याल है वो ये है कि जो देश को सही चलाएगा, सही काम कराएगा, वही सत्ता माननी चाहिए। देखिए युवा कह रहे हैं कि जो देश को चला सकेगा वही अगला प्रधानमंत्री होगा, अच्छी बात है। आपका सर क्या नाम है? बलराम सिंह। बलराम सिंह जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मैं अभी तो देखेंगे, अभी तो चल ही रहा है क्या, लेकिन एक चॉइस होनी चाहिए। तो चॉइस तो यही है, बाकी मोदी का तो जोर है ही। हाँ जी हाँ जी, मोदी जी ने काम अच्छा किया, अब बहुत अच्छा ही किया है जी। अच्छा अभी हाँ जी, कांग्रेस के लिए काम ही नहीं किया। कांग्रेस तो अभी तो इतने दिन तो रही है, 60-70 साल राज करके गई है, बाकी मोदी का जोर है तो मोदी का ही रहेगा अभी तो। हाँ जी हाँ जी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कोई बलिदान बीजेपी ने दिया ही नहीं, जितना बलिदान दिया है देश के हित में वो कांग्रेस ने किया है। ये तो पब्लिक है जी, कुछ भी बोल देती है। हाँ पब्लिक है, देखिए कांग्रेस को कह रहे हैं पब्लिक है। ठीक है, और भी लोग मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। पीएम तो वो सोनिया जी। सोनिया गांधी जी, अच्छा क्या कारण है, व्हाट्स द रीजन? थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या क्या बदलाव आप मांग रहे हैं? बदलाव के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर चेंजेस होना चाहिए। सर आप आपसे बातचीत करेंगे, अगला पीएम कौन? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी यस। क्या कारण है, व्हाट्स द रीजन?
लोग थक गए हैं अभी ये देख के, पुराना नया सब देख के, क्या इतनी महंगाई है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ, मैं कुछ काम के कारण आया हूँ, लेकिन पीएमओ ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, 3 दिन से लगातार मैं घूम रहा हूँ। कुछ इंसिडेंट होने की वजह से वहाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी सुनवाई नहीं है, क्योंकि जो 2014 के पहले होती थी, लेकिन लोगों ने सोचा कुछ नया होगा, लेकिन उन नया कुछ भी ऐसा नहीं है, सब पुराने घिसा पिटा, उससे भी गया गुजरा, सब चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बदलाव नहीं हो रहा है कुछ भी, और इसी वजह से आप आया हुआ, डिजिटल आया हुआ है, लेकिन डिजिटल आया हुआ है, लेकिन मुंबई जैसी सिटी है उनको छोड़ के बाकी जगह पर काम नहीं कर रहा है सिस्टम। जैसे अभी जीपे आया, आज से 2 से 8 साल पहले जीपे का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आज भी लोग जीपे डाउनलोड नहीं कर रहे, उससे पैसा नहीं दे पा रहे। काफ़ी यानी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो आज बीएमसी म्यूनसिपालिटी का यानी स्कूल है उसके अंदर काफ़ी ध्यान नहीं दिया, राम राज्य प्रजा सुखी। यस, ठीक है, इसी कारण से आप बदलाव देखना चाहते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोलना, जो भी आए यानी वर्किंग करे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया डिजिटल चल रहा है, लेकिन डिजिटल ऐसा दिख नहीं रहा है कहीं। सीटीओ में जहाँ चल रहा है बस नेटवर्क का इशू है, ये इशू है, डाउन है। मतलब आपके हिसाब से डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर उतना काम नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी राय जानने के लिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रदेव झा। इंद्रदेव झा जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? नहीं, मोदी सरकार को नहीं बनाना चाहते हैं। किसको बनाना चाहते हैं? केजरीवाल। केजरीवाल को क्यों कारण है? नहीं, मोदी जब से मोदी सरकार आया है, जब से देख रही है, मतलब दुनिया में बहुत बहुत प्रकार की बात हो गई है अब। कौन से प्रकार की बात कर रहे हैं? बहुत प्रकार की बात हो गया, मतलब पूरा देश बदल दिया, अपना जो भारत है पूरा भारत ही बदल गया मोदी सरकार के आने से। अच्छा, अच्छा, क्या खराबी क्या हुई ये बताओ? खराबी नोट बंद कर दिए थे, उसमें लोगों को बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, और बहुत खराबी हुई है। मेरा तो कहना यही है कि इस बार मोदी सरकार ना बने सरकार। अच्छा, ठीक है, चलिए, अपनी अपनी राय है, इस बार ये चाह रहे हैं मोदी सरकार ना बने। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? नागदीप। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों? वो स्ट्राइट काम करते हैं ना। सही काम करते हैं। अच्छा, कांग्रेस के लिए काम ही नहीं करते हैं? वो नहीं बता सकते। अच्छा, क्या कारण है नरेंद्र मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, और अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। और कोई बात है उनकी खास? खास कुछ नहीं है, सब सही करते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी हमारे साथ युवा मौजूद हैं, कौन अगला प्रधानमंत्री? केजरीवाल। क्यों? क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है? क्या कारण? अच्छे शिक्षण मंत्री, शिक्षण के लिए अच्छे काम कर, अच्छा है, अभी हम घूम रहे तो साफ सफाई अच्छी है। साफ सफाई अच्छी है, ठीक है, ठीक है। और भी लोग, अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों? उन्होंने विकास किया है ना। विकास किया है? हाँ, कांग्रेस के लिए काम ही नहीं किया है। नहीं नहीं करा, अभी हमारा है रास्ता भर देखा, मतलब रेल की पटरियों पर कचरा ही कचरा था, और जबकि हमारे वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार, वहाँ पे सफाई है। अच्छा जी। अच्छा, इसलिए आप देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। आप बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री? जी नरेंद्र मोदी। क्यों? क्यों, उन्होंने बहुत विकास किया है। विकास किया है? हाँ। कांग्रेस के लिए काम ही नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है, कांग्रेस से अच्छा काम किया है। ठीक है, चलिए, इसी वजह से। सर, आपका क्या नाम है? अनूप लाल। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल बनेंगे। अरविंद केजरीवाल बनेंगे? यहाँ के तो काम कर रहे हैं वो अभी। अच्छा, अभी आगे बढ़ाना है ना कि घटाना है? अच्छा, किसी मौका देंगे ना आगे? हाँ। एक तो इनको भी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी भी। हाँ, मोदी जी भी अच्छा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। बाकी आगे हम कि भविष्य के लिए चुनेंगे ना किसी न किसी और लोगों को, इसलिए इनको भी मौका दिया जाएगा। अपनी राय है, इनका कहना है कि मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अरविंद केजरीवाल अच्छा काम। सर, आपका क्या नाम है? हम बिहार के हैं, पटना के हैं। हम भी बिहार के हैं। हाँ, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा जरूरी है ही नहीं। वो एक भाषण में कह रहे हैं कि सभी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा जरूरी है ही नहीं। नहीं, इस बारे में मेरे को नहीं पता है। इस बारे में नहीं पता। आपको आपके नेता के बारे में पता तो होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है लेकिन ये नहीं पता, लेकिन उन्हें मौका देना चाहिए। इन्होंने तो देश को बर्बाद करके रख रखा, बहुत बढ़िया वाला। किसने बर्बाद किया? मोदी जी ने। अच्छा।